वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। और आज है 13 जून 2023 और मेरे साथ बंस भी है भाई। अरे तुम कैसे भूत बने हुए हो? कल दोस्तों बाइक टैक्सी जो है ना बैन हो गया, सुप्रीम कोर्ट का ये नियम आया है। तो मैं अभी कोई ऐसे स्पेसिफिक वीडियो तो नहीं बनाया हूँ, बट आज सोच रहा हूँ कुछ इसी के ऊपर बात करेंगे वैसे राइड पे। ठीक है, तो चलो एक मेरे पास ऑर्डर आ रखा है, पहले उसको पिक करते हैं और डिलीवर करते हैं, देन बाकी बातें करेंगे। बंस आज नहीं भूत बोल रहा, पापा मैं सबको डरा दूंगा, भूत बनाऊं ऐसे बोल रहा था। बोलो आप। चलो यार लेट हो जाएगा। तो आ गए भाई साहब। खाना है सर? स्विगी से है ना? हाँ हाँ स्विगी से ही है। ओरलो के बदले मैंने ओरजो लिखा है। अच्छा ओरजो लिखा है, बट वो कोई नहीं, लोकेशन तो सेम है। लीजिए दोनों इसमें। हाँ हाँ थैंक यू भैया। ये देखिए ये है ना राजमा राइस और पनीर ये। हाँ ये ठीक है सर। थैंक यू सर। तो जी पहला ऑर्डर डिलीवर्ड हो गया सेट ऑफ एक्स में। बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या इनको? किनको? अरे ये अभी ये ओल्ड मैन था, एक मेरी बाइक पे मुतवा के जा रहा है अपने कुत्ते को। देखो अभी बोलता हूँ। यार हम लोग रात में काम करते हैं और ये कुत्ता पता, अगर ये दूसरा कुत्ता सूंघेगा ना तो वो मेरे पीछे पड़ेगा। बोलता हूँ सर आप इसको मेरे इस पे टॉयलेट कर रहा था, आप उसको करने दिए। ये कुत्ता आपका मेरे बाइक पे टॉयलेट कर रहा था और आप करने दे रहे हो, थोड़ा दूर कराने चाहिए ना। कैसे क्यों नहीं करेंगे? आपके हाथ में रस्सी है तो करना पड़ेगा ना आपको। हाँ कोई बात, क्योंकि हम लोग देखिए डिलीवरी वगैरह कर रहे, रात को कुत्ते का स्मेल वो सूंघ के दूसरा कुत्ता मेरे पीछे पड़ेगा। गलत है ना ये तरीका। हाँ करवा रहा है कुत्ता मेरे ऊपर बाइक के ऊपर कर रहा है, मैं वहाँ दूर से देख रहा हूँ। मैं जब तक आया भागा भागा तब तक उधर चले गए। ठीक है कर रहे हैं। यार इतना खून खोल खोलता है ना ऐसे लोगों के लिए, मैं पूछो ही मत। यार मैं फूड डिलीवरी कर रहा हूँ मान लो हैं अब, और गाड़ी एकदम चमकती हुई है, ऐसा नहीं है कि मेरी गाड़ी गंदी हो। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यार डेली कपड़ा मारता हूँ, धोता हूँ और खूब मस्ती से मुतवा रहा है मेरे बाइक पे। बताओ यार दिखाता हूँ बाइक देखो अब यार, इतना चमकता हुआ सब कुछ रखता हूँ। अरे पाला हुआ यार मेरे हम लोगों का थोड़ी है। तो अब आपके घर में है कोई? मैं तो सोचा बोलूं उनको कि क्या आपके घर में है कोई बाइक वाइक या कार, मैं अपना कुत्ता ला के मुतवाता हूँ। देखो ये पूरा देख रहे हो, देखो ये पूरा देखो। अरे यार मतलब इंसानियत इंसान के अंदर से सच में मर गई है। दूसरे का चीज़ जो है ना वो टट्टी है, बाकी अपना चीज़ चाहे वो टट्टी भी है ना वो सोना है। ये हो गया बस लोगों की मेंटेलिटी, मूड ख़राब हो गया यार। अब सेट ऑफ एक्स क्या करूँ, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। ऐसे ऐसे लोगों को देख के ना दिमाग ख़राब हो जाता है, क्या बताऊँ यार। आप लोग मेरे जगह होते तो क्या सबक सिखाते ऐसे अंकल को, थोड़ा कमेंट करके बता देना भाई। पर एक चीज़ है, चलो मैं कम से कम अपनी स्टोरी तो बयां कर पा रहा हूँ यूट्यूब में और आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ। दुनिया जितनी डिजिटल होती जा रही है ना, लोगों का दिमाग उतने कुत्ते जैसा होता जा रहा है। मतलब अपनी चीज़ सही है, बाकी दूसरों का तो बस कुत्ते की टट्टी से भी बेकार है। दिमाग ख़राब करते हैं यार ऐसे लोग सच में यार। क्या मतलब है, मतलब कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो। इतना चमकता हुआ मेरा बाइक है, हैं
उसको ये नहीं दिखा भाई, मैंने अलॉय क्या बताऊँ मैं आपको, एक बार दिखाऊँ, मैंने अलॉय इतनी उससे रखता हूँ कि अलॉय में एक धूल ना पड़ जाए, एक मिट्टी ना आ जाए। और ये बंदे ऐसे करते हैं, देखो अलॉय देख रहे हो चमकता हुआ है, देखो आगे का अलॉय, और उसमें भी बंदा इसमें टॉयलेट करवा रहा है मेरे। और मैं दूर से देख लिया, मैंने कहा अंकल अंकल, तब तक वो निकल गए कर आगे। क्या बोलूं यार, मूड खराब हो जाता है ऐसे में। ये हमारी बाइक देख के आराम से आराम से आ जाओ आ जाओ। आज एक अंकल जी, बूढ़े अंकल, मेरी बाइक पे कुत्ते को मुतवा दिया। हाँ, पकड़ के मुतवा रहे, कह रहा बेटा कुत्ता है। मैंने यार कुत्ता वो है या आप हो ये बताओ। सुबह दोस्तों बाइक मैंने वॉश कराई, और रात को हुआ क्या, दो भाई मिले अपने, मैंने तीन ही ऑर्डर करके घर आ गया, ठीक है, जिसमें मैंने लगभग 150-160 रुपए की अर्निंग की। और जो दो भाई मिले थे रात को, पुष्पेंद्र और करण भाई, तो इनके संग काफी देर बातचीत होती रही, और अपना मेन टॉपिक जो था उसके ऊपर बात ही नहीं कर पाए, वो बाइक टैक्सी बैन। तो बाइक टैक्सी बैन वैसे तो देखिए, पिछले जो फरवरी है तब से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रूशियल चल रहा है दिल्ली में खास करके, और बाकी जगहों का तो पता ही नहीं है, ना कोई बता रहा है ना कुछ है, कोई भी पुख्ता कुछ है ही नहीं। तो जो हाईकोर्ट ने बोला था दोस्तों कि यही कि ग्रीन फ्लैग दे दिया था, और जितने भी बाइक टैक्सी राइडर है और आप काम कर सकते हो, तो हम लोगों की खुशी हो गई थी कि यार, क्योंकि न्याय के आगे कुछ भी नहीं है। तो अब उससे भी ऊपर जो हमारा जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट का है भाई, तो जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी वो सबको मानना पड़ेगा। तो बस मेरे एक सवाल है ये सभी कंपनियों से और सरकार से, हमारे न्याय व्यवस्था से, वो यही है कि यार, अगर ऐप कोई भी चीज़ को बैन करना है तो ऐप को डायरेक्टली बंद कर देना चाहिए, सिंपल सा, जिससे हम काम ही ना कर सकें, ठीक है। और आई रेस्पेक्ट द लॉ ऑफ इंडिया, तो मैं हमेशा ये, तो इस वजह से जो नया रूल आने वाला है, जैसा कि अभी आप लोगों को न्यूज़ वगैरह में पता लग रहा होगा कि 30 तारीख को नया एक रूल आएगा, तो उसके बाद ही दोस्तों मैं जो है काम करूँगा। तो आज से ये मेरा है कि आज से अब जो भी रह गए हैं 15-20 दिन या फिर जितने भी दिन में आएगा, मैं तब तक बाइक टैक्सी नहीं चलाने वाला, ठीक है। और चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे कहीं पे भी हो, क्योंकि मेरे पास फूड डिलीवरी के बहुत सारे ऐप है, जैसा कि मैंने आज सेटअप एक्स में किया रात को, इसके अलावा जोमेटो स्विगी है, तमाम है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास बहुत सारे ऐप है, तो मैं फूड डिलीवरी ही करूँगा। बाकी हर किसी की अपनी लाइफ है भाई, जिसको जैसा करना है, जो अच्छा लगता है वो करो, लेकिन मैं जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मैं उसके ऊपर अमन करता हूँ, ठीक है। और आप लोग सभी को बोलूँगा कि अगर मोटो ब्लॉगिंग देखना हो तो मैं इसमें भी आप लोगों को अच्छा अच्छा कंटेंट देता रहता हूँ। और रात का जो ब्लॉग था यार दोस्तों, मन ही नहीं कराता वो जो कुत्ते ने बाइक में मूड दिया था उसके बाद, ठीक है। मिलते किसी इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो में, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। फोर व्हीलर पे हमेशा हेलमेट पहने, टू व्हीलर पे हमेशा सीट बेल्ट लगाए। मिलते किसी इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। अरे मैंने उल्टा बोल दिया था कुछ, चलो अगर उल्टा भी बोला हो तो सीधा समझ जाना, ठीक है। ये सुनने के बाद आप लोग कह रहे होंगे क्या ब्लॉगर बनेगा रे तू।